एक दिन में हम लोग हफ्ते भर का खाना खा रहे थे पिलर में। वेलकम बैक गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। एंड व्लॉग की शुरुआत थोड़ा सा बहुत एब्रप्ट हो रही है, पता है, क्योंकि डायरेक्ट जंप हो गए हम लोग एयरपोर्ट पे। व्लॉग का आज का टॉपिक रहने वाला है, हम लोग निकल चुके हैं बैंगलोर के लिए। बैंगलोर में एक हमारे एक बंदी का शादी है। कौन है बंदी वो हम लोग बाद में दिखाते हैं, क्योंकि कुछ तो थोड़ा सा रखते हैं ना। अरे कहना क्या चाहते हो? पेट पूजा करने का थोड़ा सा अभी चल रहा है, क्योंकि भूख लगी है। रात के बजे है, कितनी बजे? 11:30 और 11:30 फ्लाइट को ऑल टाइम है, और ऊपर से मैसेज आया कि डिले हो गया। ढेर सारा सामान लेके हम लोग अभी मैकडी में पेट पूजा करने हैं। निकल चुके वैसे अपनी सफर की ओर। सफर की ओर हवाई अड्डे पे कुछ खाना है तो मैकडी आओ। सच्ची में मैकडी मतलब बाहर वाला मैकडी है क्या? अंदर वाला नहीं, अंदर वाला अलग है, अंदर अलग है। अंदर खोल के ऐसा तर। तो अभी बाय द वे, हाँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं है, इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इसका फ्लाइट में फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मतलब बेसिकली मैं एक बार जाके आ चुका हूँ फ्लाइट में। जब 2017 में आई गेस मैं थाईलैंड गया था, तो मैं जा चुका हूँ, इसके पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ फ्लाइट का, तो मेरे को इतना कुछ नहीं, लेकिन इनका रिएक्शन कैप्चर करने का मेरे को बड़ा मज़ा आने वाला है। देखते कैसे होता है रिएक्शन, मज़ा आने वाला है। इसकी फट गई थी सिक्योरिटी चेक में। हाँ, इसको चूहा दिख गया यहाँ पे, ये देखो पानी में तैरने वाले चूहे। अरे ये पैन ले ना, पैन निकाल। ये वही इतना अंगूर करूंगे वो। ये भाई बांटता है भाई, इधर क्यों बांटता है भाई? किया रहा क्या बोलते किया रहा? अपने स्वागत के लिए खड़ी रहती है तो क्या वो नहलाएगी मेरे को? क्या रहा हाँ भाई यहाँ पर तील तेरे सब्सक्राइबर। मुंबई मेरी जान, हो गया रे गाइस इसका चालू, पहुँचे नहीं कि इसका चालू हो गया। नहीं हट, मेरा ना लिटरली अगर मैं कभी शेयर कर पाऊँ ना, तो मैं मेरा ना मोबाइल का गैलरी दिखाऊंगा भाई, मेरे से ज़्यादा इन लोगों के फोटोज होते हैं लिटरली। मतलब अगर मेरा 100% स्टोरेज है, उसमें से 80% इन लोग के फोटोज है और मेरे 20%। पेट पूजा चल रही है, और ये देखो इसका यहाँ पे भी, जहाँ जाओ वहाँ पे बस मेकअप ही करती रहती है, जिंदगी मेकअप में चली गई है। फर्क तो कुछ पड़ता नहीं है। इसलिए इनको नहीं लाता मैं कभी यहाँ स्टेशन। लाता नहीं क्या, लाता नहीं क्या, तुमसे क्या लाता नहीं? लाता मारी क्रमांक 52 वर्ती झोपलेली प्रवासी गाढ झालेली आहे। पिछले एक घंटे से बैठे हैं यहाँ पे फ्लाइट। ऑफकोर्स एक घंटा हो गया, एक घंटे से ज़्यादा हो गया फ्लाइट का कोई अता पता नहीं है। के चार हो रही है, मैं बोल रहा हूँ ये सिर्फ नाटक कर रही है। सबसे
सबसे ज़्यादा मज़ा ना इसका ही रिएक्शन देखने को आने वाला है। वो दोनों तो चिल कर रहे हो, देखो वो दोनों चिलैक्स है एकदम। जैसे जैसे इधर इधर काम 25 होने वाला है इसका, मेरे को लगता है जैसे जैसे अभी टेक ऑफ करेगा ना प्लेन। पहुँच गए बेंगलोर और बहुत थक गए। थक गए मतलब बहुत नींद आ रहा है सबको, सब लोग एकदम मरियल जैसे चल रहे हैं। ये भी काफ़ी खूबसूरत ऐसा एयरपोर्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डायरेक्ट हमको जहाँ पे छोड़ा है फ्लाइट, जिस बे पे लगा था वहाँ से डायरेक्ट एग्जिट बाहर लेके आया था। तो अभी वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। बाहर निकलते निकलते सुबह हो गई है और यहाँ पे मुंबई जितना गर्मी तो नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन काफ़ी अच्छा मौसम ऐसे दिखाई पड़ रहा है। अभी आपको पता चलेगा कि दुल्हन कौन है। ये होने वाला है स्टेज, ये होने वाला है स्टे अगले 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तेल में सिर्फ पानी में तड़का देंगे ना तो भी टेस्ट है, तो हाथ में भी टेस्ट है। बैंगलोर आके फिल्टर कॉफ़ी नहीं पिया तो क्या पिया? क्यों सप्ली मज़े बचा बचा के पी रहे। जो जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया है ना वहाँ पे ही नीचे ये कैफ़े है, और क्या कैफ़े है यार, मतलब नाश्ता पेट भर के हुआ है, मतलब पेट भरा है मन नहीं भरा है ऐसा वाला सीन है। लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक प्रॉपर साउथ इंडियन फूड अगर बैंगलोर में ट्राई करना है तो दिस मस्ट बी अ प्लेस, लाजवाब। और इस तरह हम लोग निकल पड़े हैं बैंगलोर की सड़कों पे। मैप लगा हुआ है और हॉल ढूंढ रहे हैं, थोड़ा दूर है चल के जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी रूम पे बैठ के पक ही रहे थे, थोड़ा आराम किया। अभी सब लोग रेडी शेडी हो गए एकदम। ये रही हमारी दुल्हन चिकिता, सॉरी निकिता, मलकपुर ड्राइव। अच्छा अकॉर्डिंग टू हिम यहाँ पे बाल विवाह किया जा रहा है, बेचारे दोस्त का बाल विवाह। इसको देख के आपको लग रहा है क्या बताओ मेरे को, कमेंट करो कि ये क्या, कितने साल की होगी, इसका एज गेस करना है आपको कमेंट करो। वो बाद में वीडियो देखिए तो मारेगी। रस्म चल रही है, शादी कल है, दुल्हन तो देख लिया आपने। तो ये हम लोग का पहले कॉलेज का बहुत बड़ा ग्रुप था, ये उसमें से ही एक है। और खुशी हो रही है, ऑफकोर्स खुशी हो रही है कि उसको देख के यार उसके साथ साथ फट रही है भाई सच्ची बोले तो, क्योंकि एक एक मेंबर का विकेट गिर रहा है, वो समझ रहा है कि अपना भी टाइम आने वाला है जल्दी। इसके बाद का सेकेंड विकेट भी है हमारे साथ। हो सकता है कि अगले ब्लॉग, शायद अगला ब्लॉग उसी का डायरेक्ट एंगेजमेंट में मिला हमें, तो वो कौन है वो तभी बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। और फटी पड़ी क्योंकि लच्ची में, क्योंकि घर वालों का कहते होता है आपके साथ रहने वाले जो फ्रेंड्स हैं उनका शादी हो रहा है, मतलब इट्स लाइक कि तुम लोग भी करना ही चाहिए, इट्स मैंडेटरी। ये यूनिवर्सल रूल बनाया गया है ऐसे कि तेरे फ्रेंड का हो रहा है तो तेरा भी होना चाहिए। मेरे घर वालों का बस चले तो हम दोनों का शादी अपनी अपनी बीवियों के साथ एक ही मंडप में करा दे शादी। और वो मोमेंट जिसके लिए हम सदियों से इंतज़ार कर रहे थे, मजबूत भूख लगा है और खाने खाने के विषय कर रहे हैं।
हो चुका है। इधर देखो पेट अंदर हो भी नहीं रहे, पेट अंदर जाने का भी जगह नहीं है कि अंदर करे इंसान और पेट ना दिखे। इतना इतना टाइट होके खाया ना भाई साहब, मतलब वहाँ पे मेरे को बनाना था व्लॉग, लेकिन वहाँ पे इट इज डिसरिस्पेक्टफुल फॉर देम, लाइक खाना खाते वक्त मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो मैंने थोड़ा सा वो शूट किया और फिर मेरे को वो लोग बोले कि मत ऐसे करो, तो मैंने रख दिया बाजू में मोबाइल। और लेकिन जो खाने का आया है स्वाद बोलो क्या ही मतलब यार, प्रॉपर साउथ इंडियन खाना खाया, प्रॉपर मज़ा आ गया मज़ा। औरतों के कुछ भी गुण है ही नहीं यार, मतलब अब भी मैं वीडियो चालू किया इसलिए इतना सोफिस्टिकेटेड बैठी है, वरना ऐसा फैल के बैठी थी ना माँ कसम। अरे आवाज़ भी मर्दों जैसा बे है, आवाज़ देख कैसे चेंज हो गया तुरंत। माइक नहीं है लेकिन प्रिटेंड करो, कैसे लग रहा है आपका, कल आपका शादी होने जा रहा है, इतनी कम उम्र में आपका शादी हो बाय द वे। हाँ और एक चीज दीदी, हाँ एक्चुअली तो बचपन में बाल विवाह, हाँ बाल विवाह हो रहा है तो नहीं दिखती हरकतें तो है। तो कैसे लग रहा है आपका कल शादी होने जा रहा है? मुझे याद नहीं दिलाना था, सॉरी वो भी कैमरा के सामने नहीं, लेकिन ठीक है अभी हर एक पॉइंट के बाद ये एक मोमेंट आता है तो ये ना एक्चुअली क्या हो गया पता है क्या, इसको थोड़ा सा ना वो रसम के साथ गांजे का भाजी दे दिया था तो उसने गांजे का भाजी खा लिया थोड़ा सा। उसको चढ़ गई और कुछ नहीं है देखो। और तुरंत नाश्ता करने बैठे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद वापस खाना भी है, क्या पता क्या होने वाला है। एक दिन में हम लोग हफ्ते भर का खाना खा रहे हैं, ऐसे फील आ रहा है मेरे को। हाय गाइस, गाइस रिप्लाई नहीं दे रही भाई। तो बाय द वे हम लोग अभी निकल चुके हैं, फंक्शन पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा बाकी था, लेकिन इतने थक गए ना, इतना एग्जॉस्ट हो गए ना कि क्या ही बताए, ऐसे लग रहा है कि बस ज़मीन दोस्त हो जाए, बस ख़त्म। The next day रिकॉर्डिंग नहीं हुआ।
डे टू इन बैंगलोर, शादी का दिन है आज, आज शादी होने वाली है। एंड आउटफिट ऐसे नहीं दिखेगा, उसके लिए अलग से डालूंगा मैं फुटेज। और क्राउडेड प्लेस है, शायद आवाज़ ना आता हो, थोड़ा सा अगेन एडजस्टमेंट, ज़िंदगी एडजस्टमेंट में ही चल रही है, तो करते। और शुरुआत जो हो रही है वो ब्रेकफास्ट के साथ हो रही है, साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। और अभी मज़ा आने वाला है कुछ अलग। सारा मेकअप बर्बाद। यहाँ पे जो फंक्शन अटेंड करने आए ना, उससे ज्यादा हम लोग खाना ही खा रहे, कंटिन्यू खाना ही परोसा जा रहा है, कंटिन्यू खा रहे हैं हम लोग, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा है सफर करने को। सी एक चीज़ खाया नहीं कि दूसरा आ जा रहा है यहाँ पे, मतलब और डाल बोलने हम लोग समझ में नहीं आ रहा, हम लोग शादी में आए हैं कि कहाँ पे आए। चाट की भरमार है यहाँ पे, डॉली की चाय, डॉली की चाय। ये कौन है? पेड़ प्रमोशन ना ले रहे। ये पेड़ प्रमोशन नहीं है, फुकट का प्रमोशन हो रहा है। इतने लेट तक भाई हम लोग यहाँ पे रुके, पोस्ट वेडिंग शूट चल रहा है अभी, लाइक बैंगलोर की सड़कें इतने सन्नाटे से भरी पड़ी है रात के 11:30 बजे। मुंबई में मतलब इस टाइम पे ऐसे लगेगा कि ऐसे जतरा भरी है यहाँ पे। और ये रही बैंगलोर की सड़कें। The next day. ये होटल ना इतना पुराना है ना कि ये बताया, मतलब आज़ादी के पहले का जितने मतलब लेजेंडरी लोग हैं उनके सारे फोटोज लगे, आज़ादी के पहले से ये एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। और अगर देखा जाए ना तो ऑथेंटिसिटी बहुत मेंटेन की है यहाँ पे। और इसी प्रकार घर के रास्ते हम लोग निकल पड़े हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं। जाने का सोर्स है ना बहुत सही है, मतलब यूनिक है, थोड़ा सा हम लोग के लिए यूनिक है। बस कहीं जा रहे हैं मतलब इतना दूर? बस में वो बस बहुत यूनिक है, बहुत बस इससे मस्त है, तो इसलिए प्रेफर किया कि चलो जैसे जैसे आगे। स्पॉन्सर तो नहीं है लेकिन ठीक है, अभी दिखाई देंगे क्या करते हैं। वापस एक बीच में स्टॉप ले चुके हैं हम लोग और फिर खाना खाने आया। पूरे व्लॉग में खाना और सिर्फ खाना ही दिख रहा है। क्या ही बताया यार, लोग ही इतने प्यारे, क्या बताया, बहुत प्यार, बहुत प्यार। भी वापस खाएंगे, वापस पेट भरेंगे, वापस पेट फुल करके निकलना। ये रहा न्यू मैरिड कपल पूजा करते हुए। ये हम लोग निकलने की फिराक में। ये देखो गाइस, यहाँ पे रेस लगी हुई है कौन पहले चेंज करके आता है। क्या लगता है आपको कौन जीतेगा? और गाइस यहाँ पे लड़कों की जीत हो गई है। ये रही हारी हुई पब्लिक।
ये अभी मेरे को प्रशांत कॉर्नर में पानी पूरी खिलाने वाली है, मुंह दिखा। तो मेरी गलती थोड़ी थी, कंसेंट से ही चालू किया था, तू बोली हाँ चल तो मैं चल बोला, अभी पानी पूरी खिलाएगी। ये देखो बहन पालने के क्या बोलते इसको डिसएडवांटेजेस। ये अब भी मैंने पहना था शर्ट, ये नल्ली ने अभी इसने पहन लिया। क्या ही बोले अभी बोलो। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। तुका में फेंक नहीं दे रहे क्या? जोक ऑफ द ईयर, इसको दिमाग है बोल रही है। जाते जाते भी छोड़ नहीं रहे हम लोग, कुछ जूस पी रहे अभी। चलो गाइस निकलते हैं, और अभी यहाँ से बस पकड़ने की जो सवारी है वो ये है, टाटा सुमो, द लेजेंडरी टाटा सुमो। ये नहीं है बाय द वे सुमो, ये सुमो है। इसके पास देख के मैं सुमो सुमो किया ना, ये देख ये दूसरी सुमो। लेट्स गो। और ये रही सुपर बस विद सुपर एक्सपीरियंस, द गोल्ड क्लास ऑफ लग्जरी ट्रैवल। जरा ज्यादा ही मार्केटिंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मतलब है भाषा तो है बस, लेकिन इससे अभी सीधा निकलेंगे नवी मुंबई की ओर, और इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होने वाला है। और बस भी बादशाह है, बस एक्चुअली बादशाह है। अंदर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, सही ऊपर हो गया। बहुत ज़्यादा स्पेशियस है सी। हाँ ना, ये क्या फालतू की रेल। लड़कों का टॉयलेट देखो कितना नल्ला है, लड़कियों का एकदम बादशाह। मैं तो थोड़ा सा नींद हुआ, अभी खाना वगैरह हो चुका है, अभी बस नींद लग जाए बस, एकदम सुकून वाली मज़ा आ जाएगा। वैसे खाना डिसेंट था एकदम, ऐसे बादशाह भी नहीं और से नॉर्मल था। दाल खिचड़ी खाया ट्रैवल में, थोड़ा सा सॉफ्ट वाला। अभी जाके बस में गुड़ूप हो जाएंगे, गुड़ूप, और शायद अभी कितना दो स्टॉप रहेगा ना, आई गेस एक नाश्ते के लिए शाम का रहेगा, और चलो निकलते हैं। Next day. इस तरीके से सूजा हुआ मुंह लेके मजबूत सोए थे यार, क्या ही बताए, मतलब नींद जो लगा था ना, आया है बहुत सही। और बाकी सब लोग तो उतर गए, हम लोग, मैं यहाँ पे बस खारगर उतर गया हूँ, और अभी बस घर पे जाके वापस सो ही जाना है। आज का ब्लॉग तो मेरे को लगता है यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। आपका बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स इसको भी मिलेगा आई होप, एंड सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है एज यूजुअल। मैं फोर्स नहीं करूँगा, ऑफकोर्स मेरे को फोर्स करना नहीं अच्छा लगता। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो आपको सब्सक्राइब करना है। मेरा हुलिया देखो, मैं ऐसे ही उठ के बस आया नीचे और व्लॉग बनाना चालू किया, तो मेरी भी मेहनत आप समझ सकते हो।
एडिटिंग वगैरह जो कुछ अगर किसी में भी आपको इम्प्रूवमेंट की या फिर जो कुछ भी किसी में भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत मेरे को पड़े ऐसे आपको लग रहा है तो कमेंट करना, विल इम्प्रूव एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग, तब तक।